सिक्स फोल्ड ब्रॉसर होते हैं, तीन फ्रंट होता है, तीन क्या होते हैं बैक होते हैं। ऐसे देख तो जैसे फ्रंट पे तुम्हारे जैसे खुद का बना के रखते हैं, हमारी खुद की इन्फॉर्मेशन आ गई, लाइक फोटो बेस्ट लक्ष्मी नगर इंस्टीट्यूट आ गया। फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गेट इन टच होगा, तो फोल्ड करेगा ना बंदा तो पीछे वाला दिखाई देता है उसका बैक वाला। फिर लाइक जैसे क्या अब आउटर्स आ गया, फिर पीछे तीन पेज पे सर्विस आ गई एक पेज पे, फिर अवर मिशन आ गया, अवर विजन आ गया, है ना। इस तरीके से होते, सिक्स फोल्ड का दिखाता हूँ मैं आपको, तब समझ में आएगा आपको। देखो पहला पेज हो गया, फिर गेट इन टच आ गया, अबाउट अस आ गया, फिर ऐसी अवर कंपनी के बारे में आ गया, इस सर्विसेस आ गई, या मिशन एंड विजन आ गया आपको। तो सिक्स फोल्ड ब्रॉसर इस तरीके से बनाते हैं। तो जैसे कि अभी हम खुद का एक बना रहे हैं इस तरीके से, देखो अपना खुद का एक डिजाइन करके देखते हैं और हम बना के देखते हैं। तो मैं अपना ही लोगो ले लेता हूँ उसके कॉम्बिनेशन के साथ, इसको बना के देख, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रिंटेक्स वर्ल्ड डॉट इन खुद ही का बना लेता हूँ एक मिनट, ये लोगो ले लिया मैंने। तो कंट्रोल सी कॉपी कर दिया मैंने, कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है। अब ये बनता है A4 साइज पे, कुछ कंपनी A3 पे बनवाती है ना, मोस्ट ऑफ द बने किससे A4 को बनेगा। अब ब्लैक मुझे क्या करना है, क्या आ गया, अब मुझे क्या करना है, लाइक इसको 3 फोल्ड में कन्वर्ट करना है A4 को। ये फोर्थ लैंडस्केप में कर लिया मैंने, इसको क्या करना है मेरे को 3 फोल्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको 3 फोल्ड्स में कन्वर्ट करना है। 3 फोल्ड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा हमारे पास इस जगह में, देखो रेक्टेंगल ग्रिड टूल, रेक्टेंगल ग्रिड टूल, इस पर क्लिक करना है। इस पर हम करेंगे डबल क्लिक करेंगे, क्या करेंगे डबल क्लिक, क्योंकि तो मुझे हॉरिजेंटल डिवाइडर्स चाहिए, वर्टिकल डिवाइडर तो मुझे वर्टिकल डिवाइडर्स चाहिए। हॉरिजेंटल तो कर दिया मैंने कितना 0, वर्टिकल को कर दिया 2, 2 करते तो 3 आते थे, एक बढ़कर आता है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया ओके, कैसे क्लिक करके आ गया ये डबल क्लिक करके। अब मैंने क्या कर दिया है वर्टिकल डिवाइडर से कर दिया, मुझे पता चलेगा ना पहला सेक्शन ये हो गया, दूसरा सेक्शन ये हो गया, तीसरा सेक्शन ये हो गया। अब मुझे रोकना भी थे, रूलर लगा दिया मैं, कंट्रोल आर से क्या हुआ रूलर, और रूलर इस तरीके से मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको डिलीट कर दिया, फिर मैं किस लिए लिया था वो चीज बनाने के लिए। अब देखो हमारा लोगो कुछ इस तरीके से है, तो मैं लाना इतना कुछ इस तरीके से डिजाइन चाहिए जिससे हम लोगो भी अपना सेक्शन दिखा सके, या लाके वैसे भी कर देंगे कोई बात नहीं, कलर चेंज कर देंगे थोड़ा बहुत। तो हमें क्या करना है, एक डिजाइन क्रिएट करनी है। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ले लिया, ले लिया लाइन, इसी के अंदर एक लाइन टूल आ गया, ठीक है। और मैं शिफ्ट के साथ ऐसे लाइन दे रही थी, ये लाइक हाँ इसी के साथ ऐसे दे दो, शिफ्ट के साथ इस तरीके, ठीक है। लाइन आ गई, और लाइन पर दे दिया मैंने क्या कलर दे दिया, लाइन पर कलर आ गया। अब सेलेक्ट करना, यहाँ पर एक टूल आता है, कौन सा टूल, पेंट टूल के जस्ट बगल में आ गए, कर्वेचर पेंट टूल, कौन सा आएगा कर्वेचर पेंट टूल पर क्लिक करना है, मिडल में क्लिक करना है, किसमें क्लिक कर दोगे मिडल में, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, फिर से मिडल में क्लिक करते हैं उसी पॉइंट पे। देखो मेरे पास ना हैंडल आ गए, देखो कितने हैंडल आ गए, 1 2 3 4 5 तरीके से हैंडल आ गए। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सेव को ऐसे चेंज कर सकते हैं, आगे इस तरीके से, और थोड़ा सा अच्छे डिजाइन करना है मेरे को, चला कितना करते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इतने सेक्शन में एक कलर चाहिए, कलर चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया, दोनों को सेलेक्ट किया, मैं इसमें कलर दे देता हूँ कोई रेक्टेंगल,
सेक्शन को सेलेक्ट, विंडो और पाथ फाइंडर, इसके बाद क्या किया, डिवाइड और राइट क्लिक करके अनग्रुप, ये सेक्शन मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। देखो आगे सेक्शन डिलीट होकर इस पर मैंने कर दिया लाइक ये कर रहे थे, अच्छा तुम बाद में भी इसको चेंजेस कर सकते हो, हैंडल वगैरह को यहाँ से सेलेक्ट करो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, इस पॉइंट से हैंडल आ जाएंगे। देखो तो तुम्हें थोड़ा सा अप डाउन इस तरीके से करना है, ये बाद में भी चेंजेस होगा। ठीक है, अगर मैं एक काम करता देखा कौन सा ठीक लगेगा, इसको कर दिया ब्लैक, उस वाले का कलर कर दिया कौन सा, ये ज्यादा ठीक लगेगा पहले वाला ठीक लगेगा। पहले वाला ठीक लगेगा, ये आ गया मेरे पास। अब मैंने ले ली इसकी कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट, मैंने इसका कलर दे दिया चेंज कर दिया, तो बैक कर दिया, कंट्रोल कर ली ब्रैकेट, तो नीचे की साइड कर दिया। ठीक है, फिर कौन सा टूल लेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पॉइंट पर क्लिक और इसको आगे इस तरीके से। ठीक है, अब लेकिन मुझे एक नया सेक्शन चाहिए जिसमें इमेजेस वगैरह हम शो कर सकूँ इस तरीके से ना, तो मैंने क्या किया यहाँ से एक ले लिया रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल को कुछ इस तरीके से बना। ठीक है, अब मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूँ, रोटेट के लिए मैंने क्या किया, या रोटेट मत करो ऐसे अच्छा लगेगा, सेलेक्ट किया इमेज डालने के लिए, अब मैंने क्या किया एक स्टूडेंट वगैरह को इस तरीके से इमेज डाल दी। ये एलिमेंट कॉपी किया मैं इसको कंट्रोल वी से पेस्ट, छोटा किया ठीक इसको बैक कर दिया, कंट्रोल कर ली ब्रैकेट इसको सेलेक्ट, तो दोनों को सेलेक्ट कर लिया, मेगा क्लिपिंग मास्क कर लिया। ठीक है, अब लाइक मुझे क्या करना है, एक काम करता हूँ पहले मास्किंग करने से पहले इसकी एक कॉपी और ले लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कॉपी पेस्ट, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, इसको भी हाइड कर लेता जो बड़ा किया मैंने, है ना, उसकी कोई नीड नहीं, कंट्रोल थ्री कर दिया, कंट्रोल थ्री से हाइड हो गया। अब मास्क कर लो, इसको सेलेक्ट कंट्रोल सेवन, अब उसको अनहाइड कर लो कंट्रोल ऑल्ट थ्री, वापस आ गया वाला पॉइंट, तो कर दो इसके पीछे बिल्कुल, तो कर दो क्या बंद, और आउटलाइन में दे दो क्या कलर, तो बढ़ा दिया ये सेक्शन ऐसा रख। ठीक है, अब तो ये मेरे को ये लोगो लगाना है ऊपर, लोगो कलर सेम है, तब ये एसवीजी फाइल है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, डबल क्लिक किया मैंने इन सबका, क्या कर दिया मैंने व्हाइट कलर कर लेता हूँ, क्या कलर कर दे कौन सा व्हाइट, इसको कर दिया बैक डिफरेंट कर दिया। ठीक है, आ गया देखो सिंटेक्स वर्ड आ गया मेरे पास, है ना, अब हमारे पास आता है एक टैग लाइन आएगी। ठीक है भाई, टैग लाइन डालनी पड़ेगी,
ठीक है, तो बेस्ट आईटी इंस्टीट्यूट में दिल्ली डाल दिया इस तरीके से। इस तरीके से मैं डाल दूँ यहाँ पे, मैंने इसको कर दिया बोल्ड। तो कर दिया लाइन को सेंटर। इसको सेलेक्ट किया, कैसे लेट हो गया है तू? ठीक है, जाएगा बेस्ट आई टी दिल्ली। अब अलग अलग तरीके से थोड़ा कंटेंट आता, वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्विस। इस तरीके से हमने एक टैग लाइन डाल दी, इस तरीके वी आर प्रोवाइडिंग। पी आर प्रोवाइडिंग सही है क्या? पी आई ये आती है ना, नहीं गलत आ रहा, कुछ तो गलत आ रहा है। वी टी आई है, सही है ना गलत? हाँ, वेब इस तरीके से मैं डाल दिया, वेब सर्विस। अब ग्राफिक डिजाइनिंग इस तरीके से ना गया। ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन तरीके से ना, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना, यूआई यूएक्स डिजाइन, फिल्म दिल्ली इस तरीके से मैंने देखे। ठीक है, तो कर दे ठीक है। अब हमारे पास आगे ग्राफ्ट डिजाइनिंग के बाद हमने मार दिया एंटर। ठीक है, ऐसे ही कंटेंट डाल। इसका साइज छोटा कर दिया मैंने, ठीक है, इसको कर दिया मैंने रेगुलर कर दिया। ठीक है, और कर दिया टाइप में जाके चेंज केस, और टाइप चेंज केस और टाइटल केस। ठीक है, एक हमने क्या क्या लाइन दे दी इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरीके से डाल दिया। अब यहाँ पर डाल दी, मान लो अवर कंपनी प्लेसमेंट पार्टनर है ना, तो जो भी क्लाइंट का कंटेंट हो वो डाल देना इस तरीके से। ठीक ठीक है, अब ब्लैक अलग मतलब अलग अलग कंपनियों के क्या लगा दो, लोगो लगा दो, है ना, तो मैंने एक प्लेट इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे क्या हमारे उन कंपनियों के लोगो, है ना, जैसे हमारे स्ट्रक्चर देखो हमेशा ना इसके अंदर से देखो, ब्रोशर डिजाइनिंग के लिए एक वेबसाइट दे दी जाती है, सब इस वेबसाइट से बना सकते हैं। देखो हमारा, देखो मैं अभी कहीं से कोई कंटेंट नहीं ले रहा, देखो इसी में से ले रहा हूँ, लोगो इसमें से लिया, इमेज जब पता है हमारे इंस्टीट्यूट के, तो इमेज अकॉर्डिंग आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, बेस्ट आईटी इंस्टीट्यूट दिल्ली, तो भाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली में,
टैगलाइन डाल दी, सर्विस कौन कौन सी प्रोवाइड करा रहे हम, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, ये सारी डाल दी मैंने। अवर प्लेसमेंट पार्टनर, तो देखो ये यहाँ पर आ जाएंगे तुम्हारे, ये देखो ये हैं सारे, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सेव इमेज। ठीक है, ये सारे यहाँ पर आ गए देखो। हमेशा एम्बेड करना होता है इमेज को, एम्बेड कर लिया मैंने, पहली आ गई। ठीक है, सेकंड आदान डाल दो, एम्बेड दूसरा आ गया। इस तरह मान लो पेप कोडिंग ले लेते हैं, ठीक ठीक है। इसी में से मैंने कॉपी और ले ली चार इस तरीके से। ठीक है, चारों को अलाइनमेंट करना है, चारों को सेलेक्ट किया। ठीक है, सेंटर का तो बनता अलाइनमेंट, ये वाला सेंटर नहीं, ये वाला, ये है ग्यारह बहुत के अलग अलग, सबके डिजाइन अलग अलग ऊपर तक है। बीच की स्पेस इक्वल कर दो, सेलेक्ट, यहाँ पर आएगा डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंट, ये आ गया, और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटल वाला ये। ठीक है, क्या आ गया, चारों इक्वल आ गए मेरे पास। अब चार ही और चार्ट कंपनी दिखा दो, तो मैं यहाँ पर डाल देगा। चलो ठीक है, ये वाला पार्ट बन के आ गया मेरा। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास लाइक एक नीचे वेबसाइट्स वगैरह भी दिखा सकते हैं। तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, ये आ गई वेबसाइट का आइकन। विंडो में जाना, सिंबल पर क्लिक करना, सिंबल, यह सिंबल आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया, सिंबल गए, मोबाइल, मोबाइल आ गया मेरे पास। देन मैंने क्या किया, इसको ही वेब का आइकन निकाल लिया, वेब का आइकन ही आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ आइकन चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक लिंक करते हैं इसको, ब्रेक लिंक। अभी एक मिनट, एक काम करते हैं, अलाइनमेंट कर देते हैं बॉटम। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब क्या करना है, इसी की मैंने क्या ले लिया ऑल्ट के साथ, कॉपी, व्हाइट कलर, ऊपर डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू इस पर क्लिक किया, www.syntechworld.in। ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, इसको कर दिया मैंने बोल्ड की जगह रेगुलर, साइज छोटा कर दिया। ठीक है, ठीक ठीक है, देखो पहला पेज मेरा क्या हो गया, रेडी हो गया, आ गया फर्स्ट पेज रेडी हो गया। अब आते हो कौन सा पेज, सेट, कौन सा सेकंड पेज आता है, लाइक गेट इन टच है ना। तो हमने क्या किया, एक बटन बनाया, है यहाँ इसको भी मैंने ले लिया कॉपी, इस पर क्लिक किया, देन पर इस पर क्लिक किया, ऑल्ट के साथ क्या कर लिया मैंने, इसकी कॉपी कर, दोनों लिंक करना पड़ेगा,
जो फाइल का नाम बनाएगा, क्या फाइल के वेक्टर पॉइंटर कैटिन सीएसएस, वेक्टर टच पॉइंटर सीएसएस, ठीक है। और अभी तो स्टाइल का तो काम ही है, ठीक है, इस तरीके स्टाइल से को कर हम लिया मैंने सीएसएस में करते हैं, इसको, इंटरनल थोड़ा है सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ये, मतलब ये इसका, हटा साइज देते थोड़ा हैं। छोटा कर दिया यार। ठीक मैं है, आपको आपसे अब क्वेश्चन गेट इन बता टच रहे में हैं, कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? देखो, एक कंटेंट भी डाल सकते हैं हम गेट इन के अंदर, गेट इन टच के अंदर करना करना है वेबसाइट पॉइंटर है। जैसे अपनी सीएसएस, वेबसाइट से डालता हूँ, छोड़ो, कॉन्टेक्ट अस पे गए, ठीक है, ये रहा सिंटैक्स चलिए तो फिर ये 24 तो क्लियर और डाउट से तरीके से ना, मैंने ऐसे कोड ले लिया कॉपी चेक करा दो, चेक कर लेते हो आप, या ये डाल दो, देखो वी आर आपको अभी भी वैसा ही आ अवेलेबल रहा है, फॉर तो सीएसएस क्वेरी और डाउट हमारा काम कर रहा है, लाइक कॉपी। कहते नहीं इलस्ट्रेटर आते में हैं, गए, मैनेज करते सारे को हटा देते हैं। इसको रख दो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट के साथ, टेक्स्ट टू पर एरिया बना लिया, बना दे एरिया, कंट्रोल व्यू से कर दिया क्या, ये दोनों बात पेस्ट, सेंटर अलाइनमेंट कर दिया मैंने इसको, सेंड कर दिया। यहाँ पर आपको बताना है, एक चीज बनाना क्लियर है, है, अब ये कैट इन क्लास टच के बाद आएगा, ट्यूडे से क्लास है, है, 12:30, ट्यूडे ये तो फ्लैग ट्यूडे से क्लास है, ट्यूडे ये तो बना ट्यूडे, देते ठीक हैं, ये तो क्या करना है, यहाँ पर है। पहले यहाँ पर चीजों मैंने टारगेट कर ऑल्ट के साथ देते कर हैं, ली क्या, कॉपी, ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। करने में भी दिक्कत होता सबसे है ना, पहले आ जाएगा मेरा एड्रेस, तो आईफोन डाल देना, जी iPhone 52 सेकेंड फ्लोर अपोजिट प्लस स्टार्ट हो गए तो एंड भी करना पड़ेगा ना, तो फिर एंड 42 लक्ष्मी नगर क्या है इसका नाम, हाँ दिल्ली, ई क्लास इसका बैनर, तो क्लास ठीक है ना। इसका अलाइनमेंट कर दी इसकी क्या, लेफ्ट, इसको कर दिया मीडियम बैनर और साइज में इंक्रीज है, ठीक डॉट है। इसको यहाँ पर क्लिक किया, ऑल्ट के साथ ही मैंने दी इसकी क्या कॉपी, कंट्रोल थोड़ा सा और ऊपर कर लो, कंट्रोल डी अब इसमें फोर क्या करना, रिपीट आपको करो, वही ठीक सारा है। इसको डिफिकल्ट टू मैंने क्लिक किया, नंबर आईडी पर दे दिया +91, दूसरा दे दिया मैंने, स्पेस दिया, ठीक इमेज तैयार है, काम पर काम नहीं हो है। थर्ड पे आ जाएगी मेरी क्या, मेल सिंटैक्स वेब टैक @gmail.com, दूसरी तो मेले में, दो यहाँ मेले पे मेरे पास नाम नहीं सिंटैक्स है, डेली ये फाइल पे एट द लगा दो, रेट gmail.com, यहाँ ठीक पे लगाना आपको बैकग्राउंड में, है। बैकग्राउंड वेबसाइट भी हमारी दो ही है, इमेज ये है दोबारा www.syntaxworld.in, क्या रहेगा, www.graphicwizard.com, इमेज हमारे साइट जा सकते हैं, वो सारे टिप्स और पॉइंट्स, डिजाइन और इंस्टीट्यूट स्क्रॉल डाउन करना आपको एक दिल्ली लिंक .com, ठीक लिंक को कॉपी करना, है। देखो अब मुझे क्या करना है, इनमें लगाने यहाँ के इनके आइकन्स क्या लगाने, आइकन आइकन ले लो, यहाँ पर 4 आइकन मिल जाएंगे आपको, कहाँ से, आइकन पे फाइंडर से। पहला चाहिए मुझे लोकेशन का आइकन, फ्री कर देना, ऐसे वाले आइकन ले लो जो सर्कल्स के अंदर हो, है ना, सारे आइकन ऐसे दे। हाँ, इमेज तो आ गया पर रिपीट होता है, इमेज लगाए थे फ्रेम पे यहाँ से मल्टीपल आ कर लेना गया कॉपी, कंट्रोल इसलिए आ गया, क्योंकि इमेज बहुत वी से सारे बड़ा है, पेस्ट, बहुत ज्यादा है, उसका साइज बड़ा है, काम पर इसका बहुत बड़ा है, आप लोगों ने मैंने कल लगा एक काम करते हैं, इसको डबल क्लिक किया, अब कलर चेंज कर, देखा होगा क्या, काम करो, उसको राइट क्लिक करके करता हूँ अनग्रुप, पढ़ा।
एक पर बार करता हूँ एन ग्रुप, दो बार ग्रुप को रखा है वो, ये ना सेक्शन देखो, अब कर लो इसका क्लच चेंज। ठीक है, पहला आइकन आ गया, दूसरा चाहिए मुझे किसका, कॉल। मेरा डाउनलोड, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी से पेस्ट। आपके यहाँ पर लगा देना बैकग्राउंड रिपीट, क्या लगाना है बैकग्राउंड रिपीट या फिर नो रिपीट कर, रिपीट नहीं है देखो मुझे इसका साइज पता करना है, क्योंकि तो इक्वल देखो दे रखे हैं, नहीं। पहले ग्रुप कर लो, इसका साइज पता क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कितना दे रखा है मैंने, इतना रखा है। देखो इसकी कर लो कंट्रोल सी से, क्या कॉपी, ये सेम साइज मुझे किस में देना है, इन दोनों में बैकग्राउंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, लॉक कर देना जैसे क्या इक्वल हो जाए, कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है ना, डबल क्लिक किया, इसका कलर चेंज कर दिया, सेकंड हो गया, बन गया। देखो दूसरा पार्ट, अब मैं इसी को आइकन कॉपी कर लेता हूँ, थर्ड ये मेरा किसका हो जाएगा, बैप का हो जाएगा, ठीक कंट्रोल, ये मेरा हो जाएगा, फिर मेल का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, बैप का हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक है, अब लाइक कुछ इमेजेस भी डाल सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे मेल डाल देते हैं, लाइक कॉन्टेक्टर्स की इस तरीके से लगते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्टर्स की मेक इमेजेस ला ली, तो ऐसे डालो गेट इन टच इमेजेस, क्या फेसबुक क्या निकलती है, तो ये ले देते हैं, कॉपी कर ली मेज, कंट्रोल वी से पेस्ट, ये सेक्शन में इसमें रख देंगे, पर मुझे देखो ये सेक्शन कट करना पड़ेगा ना, जब प्रॉपर एक ही सेक्शन ये वाला है ना, कट करने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन तो ऐसे दे दी मैंने शिफ्ट के साथ, दूसरी लाइन कैसे आ गई, ठीक है कंट्रोल वाई कर लो, कंट्रोल वाई से दिखाई भी नहीं देंगे यार, एक काम कर लाइन पर डाल देता हूँ स्ट्रोक से दिखाई दे जाए, इस कलर का व्हाइट कलर, ठीक साइड यहां है वोल्टेज पे क्या हाथ पे ले ली कॉपी, एक करते दो और तीन, तीनों सेलेक्ट हो गए मेरे हैं पास, अब मैं जाना है विंडो में जाके, पाथ फाइंडर और डिवाइड, राइट क्लिक और अनग्रुप, पहले तो ये ऊपर आ गया है, उसको करना मुझे कहाँ पर, बैक, कंट्रोल कर ली ब्रैकेट, और कुछ पेज है कुछ फ्री है तो फ्री ये मतलब वाला आ गया सेक्शन, ये यहाँ पर फ्री की बात कुछ कर देना वो क्या कर, सो रहा हूँ मैं, सो रहा हूँ, चलो मैं बाद में करता हूँ। हाँ क्या कर, हेलो थोड़ी देर में करूँगा, बोला ना क्लास लें, ठीक है इस पर क्लिक किया मैंने, ये आ गया, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर वो इमेज डालनी, सेक्शन अलग कर लिया मैंने, इसको करेंगे ये सेलेक्ट, देन ये सेलेक्ट, दोनों सेलेक्ट कर दिए, कंट्रोल सेवन ले, ये आ गया सेक्शन हमारे पास, दूसरा सेक्शन आ गया। ठीक है अब क्या करना है, मुझे डालना है एक इस तरीके से, आवर कंपनी इस तरीके से डाल दिया हमने, ठीक काम करो इसी कंटेंट को उठाओ यहाँ से, कौन सा वाला, ये वाला व्हाइट कलर कर दो इसको, इसको कर दिया टॉप पर, फोल्डर कहाँ के बारे में आ जाएगा, ठीक पर देखता है डाल देना, अब है। आउटर डाल दे, ठीक रहेगा,
एक्सपेरिमेंट अबाउट अस ठीक है। बिल्कुल अब अबाउट अस कहाँ से आएगा, मेरी वेबसाइट में पढ़ा होगा, देखो अबाउट अस ये यहाँ से, अगर अबाउट अस सिर्फ वेबसाइट दे देते हूँ अपनी है ना, इस तरीके से वेबसाइट दे है ना, अबाउट अस बाय चूजर, इस तरीके यहाँ पर क्लिक किया, कॉपी कर लिया यहाँ से, यहाँ से ये वाला दोनों कंटेंट ले लेना, कौन से वाले, ये कंट्रोल सी, ये एक टेक्स्ट टूल लिया और टेक्स्ट टूल से मैंने क्या किया, इसी को कॉपी किया, इसका फॉन्ट कितना है, चलो तो फॉन्ट कॉपी कर लेंगे, टेक्स्ट टूल यहाँ से मैंने एरिया बना दिया कितना, ठीक कंट्रोल बी से पेस्ट, आईड्रॉपर टूल, फिर वो कहाँ गया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, आईड्रॉपर टूल लिया, ये वाला कलर ठीक है। आप इसी के नीचे थोड़ा सा वो नीचे वाला कंटेंट डाल दो, कौन सा वाला, ये वाला दे। इसमें क्या करना आपको कैमरा लगाना है सारी में कहाँ है पूरी है वो करना था तो माउस किया, तो माउस था वन फिर वो नहीं एपीआई है, है दूसरे दूसरे कंट्रोल है ठीक है। ये देखो ये आ गए थे मेरे पास, कौन सा वाला, ये चीज अलाइनमेंट कर दो तो इंटरेस्टिंग बन गया, देखो हमारे पास फ्रंट पेज इसका, तो देखो इस तरीके से हम ये सारा सेट आया, के लिए समझ में अच्छा लग रहा है, सेव कर ले, क्यों नहीं लग रहा क्या हो जाए ये बैनर है, इसमें नहीं भी चेंज हो रहा है लग रहा ना, सेव कर इसमें लेता क्या हूँ हो जाए चेंज होता है हम तो फिर। इसमें सीएसपी हो जाए हाँ दिस पीसी हेलो यूट्यूब के नाम से सेंट टेक्स्ट गुड वर्ल्ड क्लास आउट ठीक है। अब इसका बनेगा कौन सा, तीन पार्ट बैक वाले ठीक है, जिसमें आ जाएगा आपका लाइक सर्विसेस आ जाएंगी ठीक है, और मिशन एंड विजन आ जाएंगे, सर्विसेज कौन कौन सी हमारे पास, देखो यहाँ पर सर्विसेज भी हमारे पास, ग्राफिक डिजाइनिंग वेब डिजाइनिंग इसके बारे में लिख सकते हैं, लाइक 4 to 5 months का कोर्स है, सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाएंगे सारे के सारे ठीक है। और हमारे पास अबाउट अस में तो मिशन विजन भी है, तो यहाँ पर मिशन एंड विजन का कंटेंट है, क्या तो तीन तो इसका बन गया, कौन सा वाला पार्ट, फ्रंट वाला, और तीन होता है इसका बैक, अगर बैक बनाना तो क्या करेंगे, इसी को आर्टबोर्ड पे क्लिक करेंगे है और ऑल्ट के साथ क्या कर लेंगे, इसकी कॉपी कर लेंगे, जीरो परसेंट को क्या आ गया, इसकी कॉपी आ गई, यही तो यहाँ इसको मिलेगा कंटेंट को उठा देंगे, ये फ्रंट हो जाएगा और इसका बैक वन आ गया, अब बना लोगे ना, तो जैसे 25% हो जा रहा है मीटिंग तो वैसे भी एंड हो गया है, यहाँ पर क्या दिखना चाहिए इसका थोड़ा आगे करते हैं, जाना 2 मिनट अभी, ब्रांड टूल करा दिया था, अब एनवेलप आता है मेरे पास कौन सा टूल, एनवेलप डिस्टॉर्ट ठीक है। एनवेलप डिस्टॉर्ट का काम क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को किसी भी शेप में कन्वर्ट करना, क्या करना है, किसी भी टेक्स्ट को किसी भी शेप में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने टेक्स्ट ले लिया, मैं सब कुछ करूँ, ले लिया टेक्स्ट का नाम सिंटेक्स, इस तरीके से ले लिया ठीक है। अब मुझे ना ये टेक्स्ट ना इस शेप में चाहिए, किस शेप में चाहिए, सर्कल शेप में चाहिए, किस शेप में चाहिए, सर्कल शेप में चाहिए ठीक है, तो ये ना ऑब्जेक्ट हमेशा इस टेक्स्ट के ऊपर होना चाहिए ठीक है, तो ऐसे कर लो कंट्रोल शिफ्ट कर ली ब्रैकेट, वैसे तो ऊपर ही है पर हमेशा क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, फिर क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, दोनों सेलेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट में जाना, एनवलप डिस्टॉर्ट मेक बिट टॉप ऑब्जेक्ट, ऑल्ट कंट्रोल सी शॉर्टकट की इसकी, क्या है, ऑल्ट कंट्रोल सी, देखो तो सिंटेक्स उसी शेप में आ जाएगा, देखो समझ रहे हो, जैसे हमने कोई शेप बना ली, लाइक मैंने एक रेक्टेंगल लिया और उससे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, डबल क्लिक किया, इसको नीचे की साइड कर देते, मैं इस शेप में चाहता हूँ टेक्स्ट को, तो मैंने क्लिक किया और अपना ले लिया सिंटेक्स ऐसे ले लिया, ये शेप हमेशा कहाँ होनी चाहिए, टॉप
टॉप पर होना चाहिए, जिसको ऊपर कर लो वैसे राइट क्लिक करके अरेंज, और ये कर लिया अगर कौन सा ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे फर्स्ट वाला क्लिक कर लिया अगर, है ना, क्लिक किया, फिर क्या करेंगे दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट कैमरा डिस्टॉर्ट और मेक पे टॉप ऑब्जेक्ट, मतलब हम टेक्स्ट को ना किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये ना पोस्टर बैनर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे मैंने एड एंकर पॉइंट लिया एक, एक पॉइंट ऐसे ऐड किया, एक पॉइंट ऐसे ऐड किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको क्लिक किया और इसको क्लिक, यहाँ से मैंने क्लिक किया, वैसे मैं अपना नाम ले लेता हूँ।